तो आज लगभग जो अपना 15 दिनों का छुट्टी था वो कंप्लीट हो गया है और आज है इंटर्नशिप का पहला दिन, मतलब आज ही रिपोर्ट करना है। जस्ट उसी के बगल में ही ब्रांच है मेरी ICICI बैंक का राजवाड़ा ब्रांच, वो लिखा भी हुआ है सामने। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज लगभग जो अपना 15 दिनों का छुट्टी था वो कंप्लीट हो गया है और आज है इंटर्नशिप का पहला दिन, मतलब आज ही रिपोर्ट करना है। और अभी मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ गया हूँ, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि अब वहाँ वाला माहौल नहीं है, मतलब अपना IMA वाला, कि मतलब 7:30-8 बजे तक उठोगे और ब्रेकफास्ट करके फिर आराम से चले जाओगे, क्योंकि यहाँ अपने को ब्रेकफास्ट भी अपने से ही देखना है और सारी चीज़ें अपने से ही मैनेज करना है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं, नहाता हूँ और रेडी होता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से निकलना भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेरी जो बिजनेस सेंटर है, मतलब ब्रांच है, वो है। तो ठीक है, अभी जल्दी से सारी चीज़ें निपटाता हूँ और रेडी होता हूँ और फिर मिलता हूँ। अभी मैं प्रॉपर रेडी हो गया हूँ, अपना जो नॉर्मल वाला ड्रेस रहता था वही, बस ब्लेजर छोड़ दिया हूँ, अभी ब्लेजर नहीं पहना हूँ। ब्लेजर लेके जाऊँगा बैग में और वहाँ पे पूछने के बाद मतलब क्या कैसा रहता है, क्योंकि जो क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन उसमें ब्लेजर पहनना ज़रूरी है ऐसा बोला गया है, मतलब वहाँ से ही बोला गया था IMA से ही। तो अभी रेडी हो गया हूँ और अभी हो गया है टाइम 8:15 और मेरे मतलब जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पर पास में ही मंदिर है भोलेनाथ का, तो जा रहा हूँ थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ और पहला दिन है आज, तो दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से लगभग 8:30 में निकलूंगा, क्योंकि 9:15 में रिपोर्टिंग है और यहां से जाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आराम से 10 से 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो 10 मिनट पहले भी पहुंच जाऊंगा तो चलेगा आज। और ऐसा कुछ ले जाने का नहीं है, क्योंकि बस स्कैन करना रहता है QR, मतलब वो LMS से, और जो LMS ऐप है उसी में से। तो ठीक है, यही सारी चीजें हैं, तो अभी चलता हूं, पहले दर्शन करता हूं और फिर मिलता हूं। तो बस अभी दर्शन करके भी आ गया हूँ, जो पास में अपना छोटा सा मंदिर है वहाँ पे, और अब बस अपना बैग पैक करता हूँ, मतलब वो बैग में बस वही डालना है, ऑफर लेटर का जो कॉपी था वो रख लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी लेकिन फिर भी, और साथ में टैब और अपना एक ब्लेज़र, तो बस इतनी सारी चीज़ें रखूँगा और ब्लेज़र पहन के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, और वहाँ पूछ लूँगा एक बार कि क्या कैसा करना है, तो सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी वहाँ जाने के बाद। और 9:15 में रिपोर्टिंग है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 9:10 कि 9:05 में पहुँच जाऊँ, तो 10 मिनट पहले सही रहेगा अपना, और वहाँ पर जाके दिखाऊँगा भी कि कैसा बिजनेस सेंटर है, क्योंकि मैं गया भी नहीं हूँ एक बार भी ब्रांच के साइड, और इंदौर का जो मेन एरिया है राजवाड़ा, वहाँ पे ही ब्रांच है, राजवाड़ा ब्रांच ही मिली है मुझे। तो ठीक है, अभी यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट करके निकलता हूँ और फिर मिलता हूँ। बस अभी मैं पहुंच गया हूँ राजवाड़ा में, राजवाड़ा की ब्रांच मेरे सामने ही दिख रही है, मतलब अपना जो बिजनेस सेंटर है वो, और यहाँ पे मतलब मेन ही प्लेस है, ये मेन ही बाज़ार है जो राजवाड़ा बाज़ार लगता है, वहाँ पे वहीं पे ही ब्रांच है और अच्छी बड़ी ब्रांच दिख रही है मुझे अभी यहाँ से। तो ठीक है, अभी दिखाता हूँ कि क्या कैसा माहौल है, और अभी 8:50 हुए हैं, अभी आराम से टाइम है मेरे पास, 15 से 25, मतलब 25 मिनट है अभी मेरे पास। तो ठीक है, देखता हूँ कहाँ से एंट्री रहती है, वैसे तो बोर्ड और जो वो लगा हुआ है, मतलब वो सामने से जो गेट है वो दिख रहा है मुझे अभी यहाँ से, लेकिन उधर जाने का भी रास्ता दिख नहीं रहा है, तो दिखाता हूँ। तो ये रहा अपना मेन चौराहा, मतलब ये राजवाड़ा पैलेस आप लोगों ने देखा भी होगा, मतलब इंदौर में ये फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस के नाम से भी है और नॉर्मल भी, और जस्ट उसी के बगल में ही ब्रांच है मेरी ICICI बैंक का राजवाड़ा ब्रांच, वो लिखा भी हुआ है सामने, और ऐसा कुछ पोस्टर और बोर्ड दिख रहा है, और मुझे यहाँ से एंट्री का समझ में आ नहीं रहा है, शायद वहाँ से फ्रंट से होगा, मतलब जहाँ पर वो ये वाला ट्रक खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से जो बस निकल रही है वहीं पर। तो चलता हूँ और देखता हूँ क्या कैसा, अभी खुली नहीं है शायद, तो दिखाता हूँ। तो इंदौर का ये ऐसा प्लेस है कि मतलब जो कि फुल क्राउडेड हो जाता है कुछ ही देर के बाद, जैसा कि आपको बस भी दिख रही होगी, प्रॉपर हर जगह से सिटी बस यहाँ पे पहुँचती है और कुछ ही देर के बाद ये पूरा फुल हो जाएगा और पूरा रात तक एकदम यहाँ भीड़ ही भीड़ रहेगी। तो ये ऐसा एरिया है, पूरा फुल वाला एरिया, पूरा फुल क्राउडेड वाला एरिया है, अभी सुबह सुबह है इसलिए ज़्यादा भीड़ समझ में नहीं आ रही है, और यहाँ पर ही माता लक्ष्मी का मंदिर भी है, मतलब सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी चलता हूँ और अभी मेरे पास टाइम है, अभी 8:55 ही हुए हैं, 5 ही मिनट अभी हुए हैं, तो जैसे थोड़ा टाइम होता है कुछ लोग दिखते हैं यहाँ पे, तो फिर चलता हूँ अंदर। अभी जो फीलिंग है वो बड़ा एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ मैं, मतलब वैसे भी कोई भी इंसान ऐसा ही फील करेगा क्योंकि पहला डे है और अपना मतलब पहला ही जॉब है बैंकिंग सेक्टर में। तो ठीक है, अभी चलता हूँ, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है तो सारी चीज़ें बताऊँगा। और बहुत सारे लोग जो मेरे मतलब मेरे बैच के थे IMA के, कई सारे लोग अपने बिजनेस सेंटर में पहले से जा चुके हैं और घूम के आ चुके हैं, मतलब सारी चीज़ें देख के, लेकिन मैं नहीं गया था, मैं बस यही सोच रहा था कि मैं पहले दिन जिस दिन रिपोर्टिंग का अपना डे है उसी दिन जाऊँगा और उसी दिन का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपसे शेयर करूँगा। तो ठीक है, अभी चलता हूँ, जैसे ही ओपन होता है तो फिर मिलता हूँ।
तो बस अभी मैं निकल के आ गया हूँ, मतलब ब्रांच से बाहर, और 1:15 अभी हुए हैं। मतलब खाना खाने के लिए कुछ आया हूँ, और आज पूरे टाइम यही हुआ है, मतलब अपना चेक डिपॉजिट करवाना है MFK में, मतलब कस्टमर के साथ। और साथ ही साथ बैच 77 के मतलब एक सीनियर भी हैं, जो कि मतलब उनका अभी यही चल रहा थी KYC में, अभी वो करके रखा है। तो मतलब KYC के लिए फ़ोन करना और कलेक्ट करना डॉक्यूमेंट, यही सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो उनसे भी यही सारी चीज़ें हुई। और RS थे सुबह सुबह, और ब्रांच मैनेजर थे, सब कोई थे, DBM थी, तो सबसे अच्छा ही हो गया। मतलब वो हडल में मॉर्निंग हडल भी हुई है 15-20-25 मिनट की। तो अभी ऐसी सिचुएशन है, तो अभी निकल के आया हूँ कुछ खाना खाने के लिए। तो देखता हूँ आसपास, पूरा मार्केट तो है ही, मार्केट के बीचों बीच में ब्रांच है, तो अभी दिखाता हूँ। सुबह तो माहौल एकदम क्लियर था, मतलब कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे भीड़ हो गई है यहाँ पे। और अभी कहीं पे देखूंगा किसी भोजनालय में कि कहीं आसपास, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं खाना बना के लाना शुरू नहीं किया हूँ। जब शुरू कर दूंगा तो फिर आराम से अंदर व्यवस्था भी है पूरी, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी ढूंढता हूँ किसी अच्छी जगह पे बैठ के खाना खाता हूँ, और फिर चलता हूँ फिर से। और ये रही अपनी ब्रांच, और यहाँ पे ही साइड में इस वाले रूट में अपनी SBI की एक ब्रांच है, और इधर ये सामने है अपनी ICICI की ब्रांच है, और ऐसा कुछ माहौल है। अभी यहाँ पे भीड़ भाड़ हो गया है, और यहीं पे आसपास में देखूंगा, मतलब यकी यहाँ यकी इधर आसपास कहीं खाने के लिए मिलेगा तो वहीं से कुछ खाऊंगा। अभी आज तो मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला हूँ, मतलब पास में ही जो भोजनालय दिख रहा है वहीं पे बैठ के खाऊंगा, और कल से मैं ट्राई करूँगा कि मैं खाना बना के टिफ़िन लेके आऊँगा, तो अंदर ही बैठने की व्यवस्था है, तो वहीं बैठ के खा लिया करूँगा, तो बाहर का टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि अभी अब ऐसा कुछ अच्छा खाना ढूंढने के लिए इतना टाइम भी नहीं है, और खा के जल्दी से चलता हूँ फिर ब्रांच में ही। अभी यहाँ पे भोजनालय भी दिख रहा है, और इधर स्नैक्स वाली भी कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मेरे को प्रॉपर खाना खाना है, तो मैं इसी किसी भोजनालय में जाऊँगा और पूछूँगा क्या कैसा है, और खाऊँगा खाना, और फिर उसके बाद ब्रांच में। तो ठीक है, अभी देखता हूँ और पूछता हूँ कितने रुपए थाली है, और उस हिसाब से थाली ही खाऊंगा, उसमें प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे स्नैक्स में कुछ खाने में पेट भी नहीं भरने वाला, और प्रॉपर खाना खा लूँगा तो सही रहेगा। तो ठीक, तो बस अभी आ गया हूँ मैं जहाँ, मतलब सामने ही जो भोजनालय दिख रहा था उसी में, और यहाँ पे थाली है, मतलब 80 रुपये की थाली बता रहे हैं, और एक ही थाली है, मतलब कोई स्पेशल नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है, एक ही थाली मिलती है 80 रुपये की। तो बोल दिया हूँ थाली ही, और देखता हूँ क्या क्या रहता है उसमें। वैसे बोला तो है कि दो टाइप की सब्ज़ी रहेगी और रोटी रहेगी, तो ऑर्डर कर दिया हूँ अभी, जैसे ही आता है तो फिर दिखाता हूँ क्या रहता है आज खाने में। तो बस अभी थाली जो मंगाया था वो थाली आ गई है, और दिखाता हूँ आज इसमें क्या क्या है। तो इसमें दाल है, और मटर पनीर की सब्ज़ी है, और सलाद है साथ में, 5 रोटी है, और चावल में ऊपर से भी दाल डाल दिया गया है। ठीक है, अभी खाता हूँ, क्योंकि तेल वेल तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी क्या ही कर सकता हूँ, तो कल से अपना खाना लेके आना शुरू करूँगा मैं, तो आज तो यही खाना पड़ेगा। तो ठीक है, निपटाता हूँ, और फिर इसके बाद चलता हूँ सीधे ब्रांच में। तो बस अभी मैं खा पी के निकल आया हूँ, ये भोजनालय सामने वाले जो भोजनालय था उसी में गया था, और 80 रुपये की थाली थी, और 10 रुपये का पानी बॉटल लेके खा पी के चला आया। और अब जा रहा हूँ ब्रांच में, और वहीं बैठता हूँ, और जो भी काम होगा तो सारी चीज़ें कंप्लीट करता हूँ, और जैसे ही निकलने का टाइम होगा तो फिर मिल के लास्ट में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आज हुई। तो ठीक है, दिखाता हूँ। तो बस अभी मैं निकल आया हूँ, और 6:40 हुए हैं, और लास्ट में जाके DM सर से मैंने बोला कि सर मैं जाऊँ क्या, और तो उन्होंने बोला कि मतलब यही पूछा कि क्या सीखा तुमने आज, और कैसे, मतलब कल का क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें। अभी मैं ब्रांच के जस्ट बाहर ही खड़ा हूँ, तो अभी बस निकलूँगा रूम के लिए, मतलब रैपिडो ही करूँगा, या कि फिर दोस्त को बोलूँगा, जैसा सुबह छोड़ा था तो वैसे ही लेने आ जाएगा, तो ठीक ही रहेगा। तो ठीक है, निकलता हूँ अभी यहाँ से, और जैसे ही पहुँचता हूँ रूम तो फिर मिलता हूँ, और बताता हूँ आज के बारे में कि आज मेन चीज़ें क्या क्या हुई, और मतलब कल का क्या कैसा प्लान रहेगा। और आज बस QR कोड ही स्कैन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें रूम पहुँच के फिर बताता हूँ। तो बस अभी आ गया हूँ मैं अपने रूम पे, और आज का पूरा दिन मतलब यही सारी चीज़ों में गया है, मतलब जो भी कस्टमर आ रहे थे, तो कस्टमर मतलब जो CRF फॉर्म होता है उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे रिक्वेस्ट ली जाती है, और साथ ही साथ मतलब उसी के बीच में फिर QR स्कैन हो गया अपना, जो QR स्कैन करवाना था पहले दिन वो भी काम हो गया, और फिर उसके बाद अपना MFK कैसे ऑपरेट करना है, MFK में टोकन निकालना, मतलब वो कैश डिपॉजिट करने वाला, कैश विड्रॉल करने वाला, और कैश कैसे डिपॉजिट होता है, और RPC वाले जब आते हैं कैश कलेक्ट करने, तो कैश कैसे मतलब वो DBM के थ्रू जो की रहती है उसको चेक बॉक्स से चेक निकाल के उनको देना, ये सारी चीज़ें आज हुई हैं, और आज यही सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं, और अभी पहुँच गया हूँ, और अभी टाइम हुआ है 7:00 वाले हैं, मतलब 7 बजे करेक्ट अभी पहुँचा हूँ रूम पे। तो ठीक है, रिफ्रेश होता हूँ और फिर मिलता हूँ।
बस अभी मैं रिफ्रेश हो गया हूँ और आज से मैं अपना पूरा डेली रूटीन वही शुरू करने वाला हूँ कि मतलब जैसा भी ब्रांच से आऊँगा तो फिर अपना ब्लॉग एडिट करूँगा और अपलोड करूँगा और फिर उसके बाद खाने का व्यवस्था करूँगा, क्योंकि मैं खाना बाहर से नहीं खाने वाला हूँ, मतलब खुद से बना के खाने वाला हूँ। और रूम अभी मैं अरेंज किया हूँ, मतलब प्रॉपर रूम अभी नहीं लिया हूँ, मतलब अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ अभी, क्योंकि 2 महीने के बाद हो सकता है चेंज करे ब्रांच लोकेशन, तो फिर बाद में टेंशन होगी। तो फिर एक ही साथ जब 2 महीने के बाद जैसा भी फिक्स होगा जहाँ पे, तो उस हिसाब से फिर रूम लूँगा। अभी अपना ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया हूँ और अभी थोड़ा टाइम भी हो गया है और अब जा रहा हूँ खाने का व्यवस्था करने, मतलब खाना बनाता हूँ, खाता हूँ और फिर उसके बाद सोऊंगा, क्योंकि आज मतलब पूरा दिन एकदम पहला दिन था तो थोड़ा ज़्यादा थकान भी लग रही है, और जब अपना डेली रूटीन बन जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो सोऊंगा जिससे प्रॉपर अपना सुबह उठ सकूं, और जब अपना पूरा रूटीन सही हो जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं समझ में आएगी। तो अब जाऊंगा, खाऊंगा और उसके बाद सोऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग का करता हूं एंडिंग। यदि आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इधर एक दो ब्लॉग आ रहा होगा इनको भी चेकआउट करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।